हेलो एवरीवन, शालिनी किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए गेहूं के आटे का हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने एक कटोरी आटा लिया है, जो गेहूं का आटा है, और साथ में मैंने एक कटोरी चीनी लिया है, जो बिल्कुल थोड़ी मोटी मोटी चीनी है, और उसके साथ मैंने एक कटोरी अमूल घी लिया है, इसलिए इसका कलर बिल्कुल येलो दिखाई दे रहा है, और साथ में मैं 20 से 25 काजू ले रही हूँ, और 20 से 25 मैंने बादाम लिया है, और साथ में मैं 3 से 4 इलायची का पेस्ट बनाकर डालूँगी। तो मैंने इलायची लिया है, और इस हलवे को बनाने के लिए मैं 1 गिलास पानी का यूज करूँगी। मैंने आटा, चीनी और घी बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लिया है। अब मैं आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेक रही हूँ, जिससे आटे का कच्चापन दूर हो जाएगा, और आटे को मिलाते रहना है ताकि पैन के चिपके नहीं। इससे हमारा हलवे का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अब आटा सिककर पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। सर्दी के मौसम के कारण घी जम गया था, लेकिन अब घी गर्म होकर पिघल गया है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से घी पिघल गया है। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा देर तक आपको फ्राई नहीं करना, और हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। तो अब हम फ्राई हो गए ड्राई फ्रूट्स, और अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसी घी में हलवा बनाऊंगी। तो वो मेरा सिका हुआ आटा है, उसको मैं मिलाऊंगी। अब मैं इसी घी में सिका हुआ आटा मिला रही हूँ, और मिक्स करते रहना है आटे को, ताकि कढ़ाई के चिपके नहीं। और जब तक आपको आटे को फ्राई करते रहना है, जब तक आटे का कलर एकदम बादामी जैसा नहीं हो जाए। तो आप देख रहे होंगे आटे का कलर बिल्कुल बादामी हो गया है एकदम। तो अब मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। तो पानी मैंने 1 गिलास मिलाया है, और पानी बिल्कुल धीरे धीरे करके मिलाना है। अगर एक साथ पानी मिला दोगे तो लम्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए मिक्स करते रहना है और पानी को मिलाते रहना है, ताकि हलवे में लम्स क्रिएट नहीं होए और हलवा एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इसको मिलाते और मिक्स करते रहना है, ताकि कढ़ाई की चिपके नहीं। अब मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर मिला रही हूँ, और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि कढ़ाई के चिपके नहीं। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि शक्कर तो पानी छोड़ती है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि हलवे ने घी, पानी और शक्कर तीनों को अच्छी तरह से बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो हमारा जो घी बच गया था उसको मैं इसमें मिला दूंगी, और साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स मिलाऊंगी, लेकिन मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स होने दूंगी। तो अब हमारा घी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो मैंने इलायची का पेस्ट बना रखा था उसको मिला दिया है, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा अच्छा हलवा बनकर तैयार हो गया है, और अब चलते हैं सर्व करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे प्लेट में कितना शानदार हलवा लग रहा है। ऐसा हलवा आप भी बनाइए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा हलवा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।